फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी लोगों का शालवेज किचन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं आलू के चिप्स की रेसिपी। इस चिप्स को हम बनाएंगे बिल्कुल मार्केट जैसा, और इसे बनाना बहुत ही ज्यादा आसान होता है, और इसे बनाना जितना आसान होता है ये टेस्ट में उतना ही लाजवाब बनेगा। आगे नवरात्रि का भी फेस्टिवल आ रहा है, उसमें आप फलाहारी में भी इसे खा सकते हैं, या फिर एयरटाइट कंटेनर में एक साल के लिए स्टोर करके भी आप रख सकते हैं। जब खाने का मन हो बस फ्राई कीजिए और खाइए। तो आइए चलते हैं बेहद लाजवाब दिखने वाला आलू का चिप्स बनाने के प्रोसेस में। आलू का चिप्स बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बर्तन में हम पानी ले लेंगे जिसमें चिप्स अच्छे से डूब सके। अब ये हमने एक सीक्रेट चीज डाला है जिससे चिप्स बिल्कुल सफेद बनेगा और खाने में बहुत ही टेस्टी होगा। अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि हमारे चिप्स लाल हो जाते हैं, लेकिन अगर आप इस पानी में एक टुकड़ा फिटकरी का डाल देंगे तो आपके भी चिप्स बहुत ही टेस्टी और सफेद बनेंगे। अब हम चिप्स बनाने के लिए आलू ले लेंगे। आलू देखिए आजकल के मौसम में इसी तरह से आते हैं, जिसे नए आलू के नाम से भी जानते हैं। इस आलू के चिप्स बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं, लेकिन अगर आपके पास ये वाला आलू अवेलेबल ना हो तो आप दूसरी क्वालिटी का भी आलू यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए सभी आलू को हमने छील कर अच्छी तरह से धुल लिया है। अब हम ले लेंगे चिप्स कटर। ये मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन के चिप्स कटर अवेलेबल होते हैं और इजली मिल भी जाते हैं। इसे हम इस तरह से देखिए आलू को रखेंगे और थोड़ा सा हाथ को बचाते हुए सावधानी के साथ चिप्स को कट कर लेंगे। इसे बहुत जल्दी जल्दी नहीं कट करना है, नहीं तो चिप्स बहुत ही ज़्यादा पतले और बहुत ही ज़्यादा टूटे हुए निकलेंगे। इसलिए इसे हम धीरे धीरे कट करेंगे तो इस तरह से चिप्स बनेंगे। इसे हम फटाफट से फिटकरी पानी में डालते जाएंगे, नहीं तो ये काले पड़ जाएंगे। और बिल्कुल इसी तरह सभी आलू के चिप्स को हम कट करेंगे और पानी में डालते जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए। और ये देखिए सभी चिप्स को हमने कट करके अच्छे से पानी में भिगा दिया है। इसमें ये ध्यान देना है पानी बिल्कुल चिप्स के ऊपर तक होनी चाहिए। अब इसे हम 15 से 20 घंटे या फिर ओवरनाइट के लिए पानी में ही छोड़ देंगे। 20 घंटे के बाद आपको इसमें ये फर्क देखने को मिलेगा, पानी और फिटकरी में डूबे रहने की वजह से ये हल्के से टाइट हो गए हैं। अब इन सभी चिप्स को सबसे पहले 2 या 3 पानी से अच्छी तरह से वॉश करेंगे, उसके बाद चलेंगे इसे बॉयल करने के प्रोसेस में। इधर कढ़ाई में पानी भी अच्छी तरह से बॉयल हो गया है। अब इसमें हम 1 चम्मच या फिर 1.5 चम्मच नमक डाल देंगे। आप अपने चिप्स की क्वांटिटी के अनुसार इसमें नमक डालेंगे और चिप्स इतना ही डालेंगे जितना कि पानी में अच्छी तरह से डूब जाए। अब गैस का फ्लेम हम मीडियम टू हाई करते हुए इसमें उबाल आने देंगे। इसे उबलते हुए 4 से 5 मिनट हो गया है। अब हम एक चिप्स को चेक करते हैं, इस तरह से दबाएंगे तो चिप्स हल्का सा सॉफ्ट लगेगा। बस इतना ही चिप्स को हमें पकाना है। इसे बहुत ज़्यादा पकाने से भी चिप्स परफेक्ट नहीं बनेंगे, इसलिए बस हल्का सा सॉफ्ट हो जाए तो इसे स्ट्रेनर की हेल्प से इसे छान लेंगे। सभी उबले हुए चिप्स को इस तरह से निकाल लेंगे। जब ये हल्का सा ठंडा हो जाए तब इसे हम धूप में सुखा लेंगे। धूप में सुखाने के लिए एक बड़ा सा पॉलीथीन ले लेंगे जिसपे हम पापड़ बनाते हैं, और उसपे 1 by 1 चिप्स को इस तरह से फैलाते जाते हैं। और आप देख सकते हैं सभी चिप्स को 1 by 1 हमने धूप में सुखाने के लिए फैला दिया है। और ये देखिए यस भी चिप्स को फैला रहे हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ही ज़्यादा ये पसंद है। तो अगर आपके घर में भी बच्चे हों तो उन्हें ये काम दे दीजिए, वो बहुत ही शौक से करेंगे, और बाहर का चिप्स खाना तो बिल्कुल भूल ही जाएंगे। तो इस तरह से सभी चिप्स को हम सुखा लेंगे। इसे सूखने में 2 से 3 दिन का टाइम लग जाता है। 3 दिन के बाद आप देख सकते हैं चिप्स अच्छी तरह से सूख गया है और बहुत ही वाइट बना है। आप इसे तोड़ के भी देख सकते हैं, ये आसानी से टूट रहा है। इसका मतलब है आलू का चिप्स परफेक्ट ड्राई हो चुका है। अब चलते हैं मेन रिजल्ट की तरफ, इसे फ्राई करने के प्रोसेस में। फ्राई करने के लिए ऑयल अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर थोड़े थोड़े चिप्स डालकर उसे हम फ्राई करते जाएंगे। आप देख सकते हैं ऑयल में जाते ही चिप्स अपने साइज से डबल हो गए हैं और कितने वाइट बने हैं। इसे हम एक टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे और बिल्कुल इसी तरह सभी चिप्स को फ्राई कर लेंगे। अगर आपके चिप्स इस तरह से वाइट नहीं बनते हैं, सफ़ेद नहीं बनते हैं, तो आप भी चिप्स बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखें। जब भी आप इसे भिगोएं तो फिटकरी पानी में भिगोएं, और इसे काटते टाइम थोड़ा सा मोटा चिप्स कट करें, और इसे बॉयल करते टाइम बहुत ज़्यादा इसे बॉयल ना करें।
और जब अच्छी तरह से सूख जाए तब इसे हम अच्छे गरम ऑयल में फ्राई करेंगे, तो आपके भी चिप्स परफेक्ट बनेंगे। तो आप भी इस परफेक्ट चिप्स को अपने घर पर बनाइए और इस चिप्स को आप एक साल तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। और जब भी चिप्स खाने का मन हो तो फटाफट से इसे फ्राई कीजिए और घर के बड़े हों या फिर बच्चे सभी को खिलाइए। और अपने एक्सपीरियंस कमेंट में लिखना ना भूलिएगा। हल्का सा ठंडा होने के बाद एक चिप्स को हम तोड़ कर दिखाते हैं। ये देखिए कितना क्रिस्पी बना है। इसी तरह की टेस्टी और क्रिस्पी रेसिपी देखने के लिए चैनल पर बने रहिए और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे हमारी अगली रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।